वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, अगर आईटी का मेरे पास में वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए। आज महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान दूसरा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक छापे पड़े हैं। राजस्थान वो राज्य है जो पिछली सरकार की थी, उससे ज़्यादा टैप हुए हैं यहाँ जो जो छापे पड़े यहाँ पर। ये चाहते हैं कि ACP डीमॉडल हो जाए, ये जो आप प्रस्तावित बात करें ना, इसमें इनका षड्यंत्र है। ये चाहते हैं क्योंकि इनको पता है वहाँ सरकार चली गई, तो अगर करप्शन की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ की सरकार डिस्टर्ब हो जाए। हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं, हम पूरी तरह इनको एक्सपोज करेंगे। तुम गए कहाँ थे 5 साल तक, क्या तुमने विपरीत भूमिका अदा करी है? आप समझ लीजिए कि कुछ कोटि का है, इस बात का दर्द आपको भी है। मुझे याद है कि कल मैं उदयपुर में आचार्य हनुमान चालीसा महाराज साहब का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि जब कभी मुझे बुलाया गया आगर में जैन जमात में बुलाया गया, चाहे वो उम्मटपुरम हो, तलवाड़ा में हो, मांसवाड़ा में, चारवाड़ा में, योगेंद्र गिरी पर 1999 में गुजरात आदमी जो मैं मुख्यमंत्री बना ही था 25 साल पहले, तब भी मैं वहाँ पर योगेंद्र गिरी पर आया था, 25 साल आया था। तो ये मुझे खुशी है कि महावीर जी बड़ा पदमपुरा योगेंद्र गिरी पहाड़ी के विकास के लिए भी अभी हमने प्रावधान किया है। करीब 100 करोड़ रुपये हम लगा रहे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थल है उनमें विकास करी किया जा सकता है, ये हमारा प्रयास है। और आपको मालूम है कि जो तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम भी पिछली बार जब मुख्यमंत्री था तब हमने शुरू किया था, हमें खुशी है करीब 25,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, उसमें समय सीकरी को भी जोड़ दिया गया है। स्वयं बिरबुल्ला का जुड़ा हुआ था पहले से, समय सीकर जी का जो विवाद बना हुआ था उस वक्त भी ठीक था, गोंडिया जी ने हमारी भावना आप लोगों के साथ थी। मैंने कितने झारखंड के मुख्यमंत्री जी तरीकों ने बातचीत करी, उनको मैंने हमारे प्रदेशवासियों की जैन समाज की भावना थी उनसे मैंने उनका अवगत कराया, और मुझे खुशी है उनके बाद में वो मामला विवाद हल हो गया, इस बात में खुशी हम सबको। इतने में कहना चाहूँगा कि छोटे गांव में आपके जैन समाज के 30-40 घर है, बड़े पता नहीं हमारे बता देते बहुत कम हवा नहीं है। इस छोटे गांव में भी आपने मंदिर की प्रतिष्ठा आपने पहल की, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जैन समाज और जैन धर्म के जो संदेश है वो सदियों से चला आए हैं, और संदेश कहते हैं जैसे महात्मा गांधी ने कहा, शक्ति ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। ये बात सबको मन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि सत्य का विकल्प कोई है नहीं दुनिया के अंदर। एक बात देखकर मैं बात समाप्त करता हूं, जब कोई मर्जी होती है किसी की तो दास संख्या में जाते हैं तो लोग अलग अलग धर्म से बात बोलते हैं, पर सबका मकसद होता है। जैसे जनरली हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है और सत्य बोलिया गलत है, मतलब राम का नाम है वही सत्य है, जो राम भगवान को मानते हैं राम भगवान को वो कहते हैं कि राम का नाम सत्य है और जो सत्य बोलेगा उसी गलत है, मतलब उसी लिए स्वर्ग है। मैं पूछता हूँ देवर मीटिंगों के अंदर, आप बताओ ये कब से शुरू है बोलना, कब से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले कब शुरू हुआ? राम नाम सत्य है और सत्य बोलेंगे तो इसकी गति है, गति है किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब है सदियों से, हजारों सालों से हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भगवान महावीर और अन्य भगवान और
संत महात्मा हुए होंगे कोई जमाने के अंदर भी, सबका मानना है सत्य है वही भगवान है और सत्य बोलेंगे तो ही उसकी गत है, मना करता नहीं। क्योंकि सत्य बोलना तो मैं समझता हूँ कि भगवान का नाम लेने का, कि महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, उनसे हम सबका हौसला बढ़ा है और ज़्यादा आप सबकी सेवा करने का, प्रदेश वाले सेवा करने का जज्बा मन में भाव पैदा हुए सबके, ये मैं कह रहा था महाराज जी के आशीर्वाद से। और यही भावना हम सब में है कि आने वाले वक्त में और ये मंदिर प्रतिष्ठा हम आए हैं तो एक संकल्प लेके जाएंगे और अधिक मजबूती के साथ में कैसे हम लोग प्रदेश वासियों की सेवा करें, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, जो भी गरीब है, किसी जाति धर्म का हो, क्षति कौन का हो, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। ये मैं आपको निवेदन करना और मुझे खुशी है कि आपने मुझे बुलाया दिनेश पुण्या जी का, तमाम जो कमेटी बनी है यहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठा की, उनके तमाम पदाधिकारियों का, तमाम सदस्यों का मैं आभारी हूँ। मुझे दर्शन करने का सवाल दिया अपने महाराज जी का और यहाँ आने का इस बात का मुझे बहुत प्रसन्नता भी है, खुशी भी है। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।